हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो माई एसक्यूएल की है। जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर द टेबल फैकल्टी। इस टेबल का क्या नाम है? फैकल्टी नेम है, ठीक है। हूज कॉलम नेम्स आर, यहां पे देखिए एफ अंडरस्कोर दिया गया है, ये अंडरस्कोर है, यहां पे देख सकते हैं ये एफ अंडरस्कोर दिया गया है, एफ अंडरस्कोर नेम है, फिर यहां पे एफ अंडरस्कोर आईडी है, ये यहां पे आईडी है और ये एफ अंडरस्कोर नेम है, यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे देख लीजिए, यहां पर अलग अलग चीजें इसी तरीके से दी गई हैं। यहां पर कोर्स का नेम है, सैलरी नेम है, तमाम चीजें इस तरीके से दी गई हैं, देखिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस रिकॉर्ड जैसा दिख रहा है वैसा आपको एक टेबल बना के दिखाना है, ठीक है। यानी कि पहला जो टाइटल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एफ आई डी होगा और यहाँ पे एफ नेम होगा, फिर यहाँ पे एल नेम होगा यानी फर्स्ट नेम होगा, फिर लास्ट नेम होगा, फिर हायर डेट आएगा और फिर सैलरी आएगी, फिर कोर्स नेम आएगा। तो ये तमाम चीजें आएंगी और उस हेडिंग के अंदर ये रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट होंगे। तो ये कैसे होगा आइए देखते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले माई एसक्यूएल ओपन कर लेते हैं। तो ये माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन किया, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करते हैं डेटाबेस है, उसी डेटाबेस को यूज करेंगे। तो हमारे पास डेटाबेस को चेक करने के लिए क्या कमांड है, शो डाटा बेसिस, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जब इसको चलाएंगे, रन कराएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे रन हो जाएगा और यहाँ पर ये डेटाबेसेस हमारे पास है। तो कोई एक डेटाबेस हम यूज कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे शॉप डी यूज करता हूँ, ये लिखा यूज शॉप डी, इस तरीके से दे देंगे हम। और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको रन करा देंगे तो ये भी हमारा चल जाएगा और हमने शॉप डी को यूज कर लिया। अब हमको यहाँ पर एक टेबल बनानी है, मैंने आपको दिखाया ही था क्वेश्चन, टेबल किस नाम से बनानी है बेटा, तो ये देखिए टेबल बनानी है फैकल्टी के नाम से। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है फैकल्टी, तो फैकल्टी के नाम से ही टेबल बनेगी आपकी, ठीक है। तो चलिए फैकल्टी के नाम से एक टेबल बनाते हैं, इसमें ये फील्ड इंसर्ट कराएंगे। देख सकते हैं ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, तो वही वही फील्ड इंसर्ट कराने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एफ एस यू एल टी वाई, ठीक है, फैकल्टी के नाम से टेबल बनाना है, ठीक है। तो क्रिएट टेबल फैकल्टी, ये हो गया। तो फैकल्टी के नाम से टेबल बनेगी, लेकिन इसमें रिकॉर्ड कौन से आएंगे, तो पहला हमने बताया था फैकल्टी आईडी आएगा, तो एफ अंडरस्कोर आईडी करेंगे, ये पहला हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसका डेटा टाइप आएगा, इसका डेटा टाइप क्या होगा, फैकल्टी आईडी का। तो यहाँ पे इंटीजर रख देते हैं, इंट चलेगा यहाँ पे, कॉमा। इसके बाद क्या है, इसका फर्स्ट नेम आएगा, क्या आएगा, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ और नेम, तो एफ नेम में फर्स्ट नेम, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट नेम। और फर्स्ट नेम कौन सा डेटा टाइप होगा, तो यहाँ कैर वैर कैर या टेक्स्ट कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि दिया नहीं गया, मेंशन नहीं किया गया, तो कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट नेम है तो एल नेम आ जाएगा, और यहाँ पर इस बार मैं वैर कैर कर देता हूँ, वैर कैर, ठीक है। और यहाँ पे साइज रख देता हूँ 10, फिर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद क्या करना है, जैसे ही कॉमा देंगे तो फिर यहाँ पे हायर डेट, इसके पहले लास्ट नेम आएगा, लास्ट नेम तो हो ही गया, हायर डेट आएगा, एच आई आर ई हायर अंडरस्कोर डेट, तो ये हायर डेट हो गया। अब हायर डेट का डेटा टाइप क्या होगा, डेट डेटा टाइप होगा, क्या होगा, डेट, ठीक है। तो यहाँ डेट दे देने से, अच्छा यहाँ पे डेट एंड टाइम देंगे तो दोनों आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे केवल डेट डेटा टाइप हम देते हैं, डेट दे दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, इसके बाद आएगा आपका सैलरी, ठीक है, सैलरी आएगा, तो एस ए एल ए आर वाई सैलरी दे दिया। और सैलरी देने के बाद सैलरी का डेटा टाइप क्या होगा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं फ्लोट, एफ एल ओ ए टी, या डबल कर सकते हैं आप, डबल डी ओ यू बी एल ई, डबल, यहाँ पे डबल डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है, देख सकते हैं, ये भी एक खास बात है। और यहाँ पर आएगा सी ओ यू आर एस ई कोर्स अंडरस्कोर नेम, तो यहाँ कोर्स नेम आएगा और कोर्स नेम का डेटा टाइप मैंने रख दिया है टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर इसे आप टर्मिनेट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके तब टर्मिनेट करेंगे, और टर्मिनेट करके इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके और तब चलाएंगे। तो चलाएंगे तो देखिए सक्सेसफुली टेबल क्रिएट हो गया, आप इसको देखना है तो यहाँ पे DESC चलाएंगे या DESCRIBE भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेबल किस नाम से बना है, फैकल्टी के नाम से, तो फैकल्टी यहाँ लिखिएगा और टर्मिनेट कीजिएगा और इसको सेलेक्ट करके चला दीजिएगा, तो देखिएगा कि इस तरीके से ही आ जाएगा, देख सकते हैं सारी चीजें, सारा डिटेल यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। अब क्या करना है, अब एंटर करना है। अब एंटर करके क्या करना है, जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर अब हमें इसमें वैल्यूज डालनी होगी, ठीक है। तो वैल्यूज कैसे पड़ेगा, तो वैल्यूज डालने के लिए हमको यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट चलाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू, ठीक है। अब किसके अंदर इंसर्ट कराना है वो भी देखना होगा, तो फैकल्टी नाम की टेबल है उसी में इंसर्ट कराना है, तो देखिए ये फैकल्टी सही है, ठीक है। अब इसमें जो जो फील्ड नेम दिए गए थे उसको लिखना है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने एफ अंडरस्कोर आईडी, जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही लिखते चले जाइए, एफ अंडरस्कोर आईडी हो गया, एफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं लगाया, ऐसे ही है, एफ नेम हो गया, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एल नेम हो गया, फिर कॉमा लगाएंगे,
इसी तरीके से करके हायर डेट आएगा, तो एच आई आर ई अंडरस्कोर डेट, हायर डेट भी हो गया, ठीक है। हायर डेट देने के बाद क्या करना है, सैलरी देनी है, तो एस ए एल ए आर वाई सैलरी, यहाँ पे केवल फील्ड नेम आएंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे कोर्स नेम आएगा, सी ओ यू आर एस ई कोर्स अंडरस्कोर नेम। तो ये सारी चीजें हो जाने के बाद इसको बंद करना है और सिंपली एंटर कर देना है, और यहाँ पे अब वैल्यूज डाली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा वैल्यूज इस तरीके से, और इसमें फैकल्टी आईडी क्या होगी, जैसे फैकल्टी आईडी हमने रख दिया वन, ठीक है, फिर कॉमा देंगे। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है वो देखना होगा, तो क्वेश्चन में है ए, वो 101 है, यहाँ पे देखिए 101 दिया गया है, तो 101 हमको भी रखना है, वन नहीं रखेंगे 101 रखेंगे, तो जो दिया गया वही रखिएगा। अब क्योंकि ये 101 नंबर है, तो इसमें कोई भी डबल डॉट कॉमा या सिंगल डॉट कॉमा देने की जरूरत नहीं। दूसरा क्या है, यहाँ पर रिया नाम है, पहले जो फैकल्टी है उनका नाम है रिया, तो डबल डॉट कॉमा में आर आई वाई ए, तो रिया लिख दिया, फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर क्या है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्या है, ये देखिए शर्मा है, तो यहाँ पे लास्ट नेम में शर्मा आएगा, और फिर 12/10/2004 आएगा, तो शर्मा करके यहाँ पे 12/10/2004 करेंगे, तो एस एच ए आर एम ए शर्मा हो गया, और यहाँ पे कर देंगे 12/10/2004। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि माई एसक्यूएल के अंदर पहले आपको ईयर लिखना होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे मंथ आएगा, और फिर यहाँ डेट आएगी, तो अगर आपने सही फॉर्मेट लिखा है तभी आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और कोर्स नेम में क्या है बेटा, तो जावा एडवांस था, तो जावा एडवांस डाल देते हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत है, जावा एडवांस, तो ये हो गया जावा एडवांस, ठीक है। तो जावा एडवांस डाल करके इसको बंद करके टर्मिनेट करेंगे, और जो भी है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या सैलरी है 35,000, तो यहाँ पे 35,000 यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये हो गया 35,000, और ये करने के बाद यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, और कॉमा लगाने के बाद अब इसको चलाइएगा, तो ये चल जाएगा, और देख सकते हैं ये रन भी हो गया, और रन होने के बाद हमें इसको देखना है कि क्या इसमें परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पे सेलेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, सेलेक्ट कमांड का, और ये हो गया सेलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम, और टेबल का नाम है फैकल्टी, तो फैकल्टी यहाँ पे आप दे दीजिए, और यहाँ पे टर्मिनेट कर दीजिए, और टर्मिनेट करके इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके यहाँ से रन करवा दीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसके लिए एक क्वेरी लिख दी, अब दूसरे के लिए क्या क्वेरी लिखेंगे, तो देखिए सिर्फ यहाँ पर ये चेंज होगा, दूसरी क्वेरी पूरी लिखेंगे आप, लिखेंगे पूरा, लेकिन चेंजेस क्या होगा, खाली ये चेंज होगा, नाम चेंज होगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, ये लिखेंगे दो बार क्योंकि दोनों में अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर आपको सिस्टम पे करना होगा तो इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कियान, और यहाँ पे मिश्रा होगा, तो यहाँ पे मिश्रा कर देते हैं, ये एम आई एस एच आर ए, ये हो गया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो डेट है वो क्या होगी, यहाँ पे 2010 हो जाएगा, ये देखिए ये यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे 2010 हो गया, ये 2010, ठीक है, और फिर क्या है 12 है और 3 है, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और ये 0। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी इसको लिखना इसी में से नहीं आ रहा था, तो इसको बिटवेटेड कॉमा में कर दीजिएगा, आप यहाँ से इसको चला दीजिए, देखिए तो यहाँ पर कई बार इंसर्ट हो गया, तो कई बार इसे चला दिया गया था, तो अभी आप डिलीट का यूज कर सकते हैं, डिलीट का यूज करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है।